नमस्कार दोस्तों दोस्तों सिद्धार्थ और आसिम, सिद्धार्थ और आसिम मतलब हमें याद आती है उन दोनों की दोस्ती, सिद्धार्थ और आसिम मतलब हमें अब दिख रही है उन दोनों की दुश्मनी। लेकिन दोस्तों उनकी दुश्मनी होने का रीजन क्या है? क्या बिग बॉस ने खुद सिद्धार्थ और आसिम को दुश्मन बनाया है, या बिग बॉस ही चाहते हैं कि घर में झगड़े हो, घर में वायलेंस हो, तभी हमें टीआरपी मिलेगी? दोस्तों जैसे ही शो स्टार्ट हुआ है तब हमने देखा था कि सिद्धार्थ और आसिम एक साइड में थे और रश्मि पारस एक साइड में थे। ये घर दो ग्रुप में बटा हुआ था। जिस तरह से सिद्धार्थ के ऊपर आरोप लगे थे कि वो लेडीज के साथ अच्छी तरह से बात नहीं करता, वो बहुत एरोगेंट है, ये इन सब आरोपों को प्रोटेक्ट कर रहे थे आसिम। अब कुछ दिन गुजरने के बाद माहौल पूरा उल्टा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, पहले आसिम उन बातों को प्रोटेक्ट करते थे, अब वही आसिम उन बातों के लेके एतराज जता रहे हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला यहाँ पे घर में औरतों के साथ अच्छी तरह से बात नहीं करते। सिद्धार्थ शुक्ला बहुत ही वायलेंट किस्म के इंसान है, सिद्धार्थ शुक्ला खुद के लिए खेलते हैं और सिद्धार्थ शुक्ला ने मेरा यूज किया है। जिस रश्मि को यहाँ पे आसिम बोलते थे कि वो सबसे बेकार औरत है, आज उसी के साथ ग्रुप बना के वो सिद्धार्थ शुक्ला के सामने दुश्मनी लेके खड़े हैं। जहां दोस्तों इन सब का जो माहौल है वो अभी नहीं बना हुआ है। जिस तरह से सिद्धार्थ शुक्ला का बात करने का तरीका है और उनकी जो डिसीजन लेने की क्षमता है, और उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे सब गेम पता है, इसी बात को लेके आसिम पहले से बहुत नाराज था और उसे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि सिद्धार्थ शुक्ला के अंडर में ओवर शैडो तो ना हो जाऊं। एक दिन ऐसा आ गया कि पूरा की पूरा गुस्सा निकल के आया और आसिम और सिद्धार्थ के बीच में झगड़ा हो गया। आरहान के वापस जाने के बाद रश्मि थोड़ी निराश हो गई थी। रश्मि को ऊर्जा देने के लिए बिग बॉस ने आरहान को बिग बॉस के घर में वापस बुलाया और फिर टीम बन गई आसिम रश्मि की, और उन्होंने ठान ही लिया कि अब हम सिद्धार्थ शुक्ला को नहीं छोड़ेंगे, अब हम सिद्धार्थ शुक्ला की ऐसी वाट लगाएंगे कि उसका पता चले कि यार वो जिस तरह से बात करता है, जिस तरह से यहाँ पे हरकतें करता है, वो कितनी गंदी हरकतें करता है। उन्होंने ठान ही लिया कि अब हम सिद्धार्थ शुक्ला को हरा के रहेंगे, सिद्धार्थ शुक्ला को उसकी जगह दिखा के रहेंगे, और आप सब देख रहे हो कि इसका परिणाम क्या है। इसमें बिग बॉस थोड़ी कम थे, बिग बॉस ने भी ऐसा किया कि देखा कि उन्होंने यार घर का माहौल तो अभी गर्म हो चुका है, इसमें हमें कुछ ट्विस्ट लाना चाहिए, अगर हमने ट्विस्ट नहीं लाया तो ये बिग बॉस कैसे कहलाएंगे। इसलिए बिग बॉस ने सिद्धार्थ को यहाँ पे नॉमिनेशन के सारे अधिकार दे दिए। अभी तो बिग बॉस ने नॉमिनेशन के अधिकार सिद्धार्थ शुक्ला को दे दे, लेकिन ऑडियंस को बताया भाई वोट मत करना, वोटिंग लाइन तो बंद है, अभी आपको वोट नहीं करना है। यानी कि ऑडियंस को तो सब बता दिया कि भाई हमें तो यहाँ पे किसी को घर के बाहर भेजना ही नहीं है, हाँ लेकिन यहाँ पे हमें घर में झगड़ा जरूर लगाना है। आपको पता था अगर सिद्धार्थ के हाथ में सारी पावर जाती है तो सिद्धार्थ ने तो उन सबको नॉमिनेट कर दिया जो सिद्धार्थ के खिलाफ थे। पारस की बात पकड़ ले तो पारस को अभी उन्होंने नॉमिनेट किया है उनके साथ होते हुए, लेकिन पारस और सिद्धार्थ का पुराना रिश्ता आप सबको पता है। अभी बिग बॉस ने ये चाल चलने के बाद को घर वालों को और गुस्सा आ गया। इतनी बात नहीं थी कि वो जो इससे पहले वाला मैटर हो गया था, वह पास्ता चोरी करने वाला, इसमें रश्मि ने बड़े ही स्मार्टली सारी की सारी यहाँ पे जो खेल है उस सिद्धार्थ के ऊपर लाके खड़ा कर दिया। उन्होंने रश्मि ने यहाँ पे बहुत ही स्मार्टली लोगों को बताया कि यार ये तो सब सिद्धार्थ का किरदारा है, बाकी सब लोगों की गलती नहीं है, और ये जो राशन की प्रॉब्लम है वो उसकी वजह से आ रही है। तो लोगों के कान भरने के बाद लोग और सिद्धार्थ शुक्ला के खिलाफ हो गए, और इसका रीजन भी यहाँ पे बिग बॉस ही है। कल की कैप्टनसी टास्क के बारे में आप बात करें तो विशाल ने तो यहाँ पे हाथ ऊपर कर लेते कि भाई मुझे कैप्टन नहीं बनना है, और सिद्धार्थ शुक्ला का तो घर वालों ने कहा था कि ये हमें भाई पसंद नहीं है, इसको कैप्टन मत बनाओ, ये जिम्मेदार कैप्टन नहीं है। उसके बाद भी सिद्धार्थ शुक्ला को गेम में इन करने के लिए पारस की जगह बिग बॉस ने उन्हें गेम में डाल दिया। अभी सिद्धार्थ शुक्ला ऐसे गेम में नहीं रहेंगे तो यहाँ तो धक्का मुक्की नहीं होगी, यहाँ पे मारा मारी नहीं होगी, ऐसा थोड़ी है।
सिद्धार्थ शुक्ला अगर अंदर रहते हैं तो कुछ ना कुछ ट्विस्ट जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए बिग बॉस ने सिद्धार्थ को यहाँ पे डाल दिया उस टास्क के अंदर। और फिर क्या हो गया, सिद्धार्थ वायलेंट हो गए ऐसा लोगों का कहना है, और उन्होंने आसिम को धक्का दिया। लेकिन जिस तरह से वो टास्क था उस टास्क में तो धक्का मुक्की होने वाली थी, और जिस एग्रेशन के साथ आसिम उसके ऊपर आया। अभी मैं यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला की साइड नहीं ले रहा हूं, आप सबको पता है कि सिद्धार्थ शुक्ला अब तक घर में किस तरह से रहते आए हैं, और उन्हें अगर उनके सामने कोई चिल्ला के आता है तो वो बात पसंद नहीं है। हर किसी का नेचर होता है, जैसे आसिम का नेचर है भाई कि बार बार प्रो करना, बार बार बड़बड़ करना, बार बार एक ही बात की रट लगाना, उसी तरह उनका नेचर है। जैसे सरा का नेचर है बात बात पे ड्रामे करना, रोना। जैसे रश्मि का नेचर है कि खुद चोरी करो और इल्जाम दूसरे के ऊपर डालो, वैसे शुक्ला जी का नेचर है भाई कि मेरे को बहुत गुस्सा आता है, और इसलिए शुक्ला जी ने यहाँ पे जो भी कुछ किया आप सबने देख ही लिया। अभी बिग बॉस को तो यही सब चाहिए था, जैसे शुक्ला जी ने धक्का दिया यहाँ पे आसिम यहाँ पे आ गया, चबड़ 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 करने लगा, जब खाने की टेबल पे भी आसिम सिद्धार्थ शुक्ला को बातें सुनाने लगा। दोस्तों ये सब सेलिब्रिटी है, इनके बीच झगड़ा लगाना बिग बॉस को बहुत ही आसान है, क्योंकि बिग बॉस ने अब तक घर में जितने भी कंटेस्टेंट है उन सबका नेचर पहचान लिया है, और उनको ये साफ तरीके से पता है कि यार ये लोग अगर एक दूसरे के साथ झगड़ेंगे नहीं तो हमें टीआरपी नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे आसिम और सिद्धार्थ की दोनों अलग टीमें हो गई है, पारस भी बाहर जा चुके हैं। अब आगे सिद्धार्थ शुक्ला को कितना तकलीफ देंगे ये तो आगे देखना ही पड़ेगा। अगर वो सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में बात नहीं करेंगे तो वो भी कैमरे के ऊपर दिखेंगे नहीं, और बिग बॉस को भी मजा नहीं आएगा। सो दोस्तों यही देखना इंटरेस्टिंग है ऑडियंस के लिए भी और बाकी सब लोगों के लिए भी, या बिग बॉस की क्रिएटिव टीम के लिए, कि भाई यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला का कुछ तो होना चाहिए, मतलब सिद्धार्थ शुक्ला नहीं तो बिग बॉस नहीं, ऐसे ही आप ये लाइन बन चुके हैं। अगर आप ये सोचो कि सिद्धार्थ शुक्ला अगर बिग बॉस के घर से बाहर जाते हैं तो क्या 2-3 हफ्ते तक टीआरपी वापस आएगी क्या? अगर आएगी तो भी बिग बॉस के मेकर्स को कुछ बड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो सिद्धार्थ शुक्ला के बिना बिग बॉस 13 को हम सोच भी नहीं सकते। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में ये बिग बॉस का किया दरा है, इसी की वजह से घर में झगड़े हो रहे हैं? आप जरूर बताना मुझे नीचे कमेंट में। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए यार, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो लाता रहता हूँ। फिलहाल इतना ही, भारत माता की जय।